राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर सिंह डोगरा ने एक बार फिर से कोरोना काल में बेहतर सेवा की मिसाल पेश करते हुए हमीरपुर शहर के बीचों बीच बस्ती स्लम बस्ती, जिसे उड़ीसा कॉलोनी के नाम से जाना जाता है, उसे सैनिटाइज किया। रविंदर सिंह डोगरा ने हाउसिंग बोर्ड के साथ लगी इस बस्ती के घर और शौचालयों को सैनिटाइज करने के साथ साथ 30 परिवारों के 180 लोगों तथा बच्चों को मास्क, सैनिटाइजर सुरक्षा की दृष्टि से वितरित किए। डोगरा ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि हमीरपुर शहर के जागरूक युवा ने उड़ीसा स्लम बस्ती को सैनिटाइज करने की बात रखी थी। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किसी भी तरह की सहायता अथवा सुविधा उन्हें पिछले 9 महीनों में किसी ने नहीं दी। डोगरा ने आगे बताते हुए कहा कि ये बेहद हैरानी वाली बात है कि कोरोना संक्रमण के इस दौर की दूसरी लहर के बावजूद भी सरकार, जनप्रतिनिधियों, प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग तथा अन्य कोविड मैनेजमेंट टीमों द्वारा कभी स्लम बस्ती का न तो दौरा किया गया और न ही किसी तरह की सहायता बस्ती में रहने वाले गरीब लोगों तथा बच्चों को दी गई, जबकि संक्रमण के फैलने की सबसे ज्यादा संभावना यहीं से हो सकती है। आज हम हमीरपुर जिले के मेन टाउन में, जो कि उड़ीसा कॉलोनी के नाम से हाउसिंग बोर्ड के साथ में ही कुछ अप्रवासी लोग रहते हैं, लेकिन ये स्थायी तौर पे जिला हमीरपुर में निवास करते हैं। तो ये एक ऐसा स्लम एरिया है कि जहाँ से कोरोना के संक्रमण का फैलने का सबसे ज़्यादा खतरा संभावित रूप से हो सकता है। तो सरकार ने और प्रशासन ने इस ओर अभी तक ध्यान दिया नहीं पिछले 9 महीने में। तो अनूप जी, जो कि हमीरपुर में ही रहते हैं, इन्होंने हमें आग्रह किया कि यहाँ पे आप आइए और सैनिटेशन का काम कीजिए। तो उस मुहिम को, जो कि हमने पिछले 9 महीने से चला रखी है, वो आज हमने उड़ीसा कॉलोनी हमीरपुर के अंदर भी स्टार्ट किया और आज हमने यहाँ पे तकरीबन 25 से 30 परिवारों को सैनिटाइजेशन अभियान के साथ जोड़ के सैनिटाइजेशन किया है और सभी को मास्क और हैंड सैनिटाइजर वितरित किए हैं।